प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम रे सुभद्र योजना शुभारंभ कले लोके अधार उठी चली गले। लक्ष्मीपुर ब्लॉक पड़िया ठारे प्रशासन तरफ लक्ष्मीपुर ब्लॉक रो विभिन्न ग्राम रु एसएचजी महिला और हिताधिकारी मानक नहीं एलईडी माध्यम रे भुवनेश्वर ठारे सीधा सड़क प्रसारण रे जोगदेई भारत रो प्रधानमंत्री मोदी सुभद्र योजन मोदी जी को अभिभाषण सुनिले लोके लोके जाइथांते किंतु प्रशासन एभली व्यवस्था करथिले कि मोदी जी को भाषण ठीक सुनिबा व्यवस्था करि पारि नथिबारु लोके अधारु उठी चली जाइथिले जहाँफल सभा स्थल रे चेयर गुड़िक खाँ खाँ देखा जाइथिला। एपटे प्रशासन रो किछि कर्मचारी ही सभारे बसी मोदी को भाषण वर्चुअल माध्यम रे सुनिथिले। तेबे एठारे प्रश्नवाची सृष्टि होउछि कि जे पूर्वरु सरकार थिबा समय रे ब्लॉक प्रशासन पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायकंक अनेक प्रोग्राम वर्चुअल माध्यम रे सफल करथिबा प्रशासन मंगलवार दिन मोदी को प्रोग्राम कोन पई एफळी अव्यवस्था कले एहा एक उच्चस्तरीय तदंत करा जिबा आवश्यक बोली बुद्धिजीवी महल रे दाबी होउछि। किंतु कथाटा टिके अलगा अलगा लागुछि कारण एठारे जदि लोकंकर इच्छा थांता ताले निश्चित भाबरे लोक बसी थांते एथिरे कोनोसी प्रकार रो संदेह नाही कि लोक मोदी को सुनिबा को इच्छा प्रकट करुना तेणु लोक उठिके चली जाइथिबा किछि बुद्धिजीवी को महल रे मत प्रकाश मध्य पाउछि। तेबे देखिबा को बाकी रहिला प्रकृत रे एहार सत्यता कोन आग को जणा पडिबो। राज्य सरकार प्रोग्राम थी प्रति ब्लक लक्ष्मीपुर ब्लक निमंत्रित अतिथि पीडब्ल्यू बंगल गोटे ब्लक तीन हजार रु प्राय अधिक लोक जेठी जमा होते हिताधिकारी मैंने आज तीन टा प्रोग्राम चलता आमर हूँ स्वच्छता ही सेवा आ सुभद्रा योजना आउ गोटे है आमर प्रधानमंत्री आवास योजना जो मानक नुआ वर्क अर्डर दिखाई से मानी आज प्रधानमंत्री निजे से शुभारंभ कर नहीं सेटा हूँ आमर इलेक्ट्रोनिक से सिस्टम सेटा इको हूँ सेटा बोधे दुईटा ओवरलैप कर जाऊँ सेटा दुईटा सेटा आम यूट्यूब सेमती नहीं एटा एक्चुअली आम एक पाँच सर कार्यक्रम भी आम जेहेतु एक पाँच प्रधानमंत्री डेपार चलता कार्यक्रम अधिक विलंब भी हो लोक जेहतु सका आसते आम आठटा साढ़े आठटा आसते नहीं सीटा खाइबा खाइबापी व्यवस्था होती कारण ये लोक एका संगे संभाल मुस्किल तेणु निश्चित कथा कहला काउंटर सिस्टम भी अच्छे आम ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହୋଇକରି ପଳାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଯୋଜନା ଚଲାଇଛନ୍ତି ଆମର ବିଜେପି ବିରକ୍ତରେ ସେ ଭାଷଣ ନ ଶୁଣିବାରୁ ସେ ପଳାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ ତାଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରଶାସକ ଥିଲା ଖାଇବାର ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନକରି ପ୍ରଶାସକମାନେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇକରି ସେଥିପାଇଁ ଜନତାମାନେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟୀ ଯିଏକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଆସନକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଶାସନିକମାନଙ୍କ ଦାୟୀ ହଁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ବ୍ଲକରେ ଯିଏ ଏଇ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜନତାମାନେ ଯେତିକି ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ନ ଶୁଣି ପଳାଇଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀ ଏଇ ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 7500 ଜଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ କର୍ମ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସିଏସ୍ସି ଏମ୍ଏମ୍ଏ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରାୟତଃ 4000 ବେନିଫିସିଆରୀ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଘର ଘର ବୁଲିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କି କହିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଅସ୍ତେ ଆସିବ ସିଏସ୍ସିରେ ଏମ୍ଏକେରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ। କୋରାପୁଟରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ଇଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।